नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं निरहुआ चिंटू पांडे और खेसारी लाल यादव के फिल्म के कलेक्शन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा होली के शुभ अवसर पे यानी आज भोजपुरी के 4 फिल्मों को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। पहली फिल्म का नाम है फसल, दूसरी फिल्म का नाम है सनम बिहार, तीसरी फिल्म का नाम है हिंदुस्तानी और चौथी फिल्म का नाम है जान लेबू का, जिसमें से खेसारी लाल यादव जी की फिल्म सन ऑफ बिहार, इस फिल्म को बिहार में 26 सिनेमाघर मिला है। वहीं बिहार में फसल फिल्म को 17 सिनेमाघर मिला है। और प्रदीप पांडे चिंटू जी की फिल्म की बात की जाए तो सिनेमा लिस्ट नहीं आया है, हो सकता है 6-7 सिनेमाघर मिला होगा। और बात की जाए इन तीनों चारों फिल्मों के रिस्पॉन्स के बारे में, तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ इन तीनों चारों फिल्मों को बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स मिला है आज सिनेमा घरों में। जी हाँ दोस्तों, सभी फिल्मों को बहुत ही खराब रिस्पॉन्स मिला है सिनेमा घरों में। इन सभी फिल्मों को 10 गो 20 गो 30 गो सिनेमा घर में दर्शक लोग जा रहे थे देखने के लिए, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन सभी फिल्मों को दर्शक लोग इसलिए सिनेमाघर में आज नहीं जा रहे हैं देखने के लिए क्योंकि आज होली है। बाकी कल से इन सभी फिल्मों को दर्शक लोग जाएंगे सिनेमाघर में देखने के लिए। जो फिल्म अच्छा रहेगी, अच्छा चलेगी सिनेमाघरों में, अच्छा कलेक्शन करेगी। हाँ तो दोस्तों, इन चारों फिल्मों के फर्स्ट दिन के कलेक्शन की बात की जाए तो बहुत ही डाउन कलेक्शन है। हाँ तो दोस्तों, ये रहा अपडेट, आप सभी को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।